नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। श्वेता के साथ पे आप नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा के पंपोर में 2 आतंकी ढेर, मुठभेड़ खत्म। विपक्ष ने मांगा अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा, आपने दिया जवाब, सीबीआई के जरिए किया जा रहा है परेशान। पुणे के मंदिर से हटाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूर्ति, एनसीपी ने कसा तंज। प्रधानमंत्री कार्यालय के कड़ी आपत्ति जताए जाने के बाद इस मूर्ति को हटाए जाने का लिया गया फैसला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने साधारण बीमा कारोबार ओबीसी विधेयक में संशोधन की दी मंजूरी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती आज, प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी समेत नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। चीन के सीमा विवाद बढ़ने पर ताइवान जापान द्विपक्षीय संबंधों और सुरक्षा मुद्दों पर पहली बार करेंगे वार्ता। एंटनी ब्लिंकन ने कहा अफगानिस्तान और तालिबान के मुद्दे पर भारत से हुई बातचीत काफी सार्थक रही। एंटनी ब्लिंकन। तालिबान के हाथ लगे अत्याधुनिक अमेरिका हथियार, 40 लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल। पाकिस्तान का तालिबान प्रेम हुआ जग जाहिर, इमरान खान ने अपने मंत्रियों से अफगान मुद्दे पर चुप रहने को कहा। तालिबान को धन्य और सैन्य सहायता दे रहा है पाकिस्तान, मदद के लिए आतंकियों को भेज रहा है अफगानिस्तान। यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द, जेपी नड्डा और अमित शाह से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात से बनी संभावना। कानपुर के बिकरू कांड में फर्जी मुठभेड़ के गंभीर आरोप से पुलिस टीम बरी, विधानसभा में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पेश। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा स्कूलों में उपस्थिति अनिवार्य नहीं, कोरोना से स्थिति बिगड़ी तो फिर होंगे बंद। अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ यूपी पुलिस से शिकायत, तालिबानी आतंकियों के हिंदुत्व से तुलना का आरोप। मानसून सत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, माफिया की जब्त जमीनों पर गरीबों के लिए बनेंगे आवास। पोलैंड की एथलीट मारिया ने बच्चे की हार्ट सर्जरी के लिए अपना सिल्वर मेडल किया नीलाम, 92 लाख रुपए जुटाए, यूएसए में बच्चे से की होगी सर्जरी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तालिबान का कब्जा, पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर अब्दुल्ला मजार तालिबानियों को लेकर पहुंचा दफ्तर। इंग्लैंड हुआ बेनकाब, काउंटी टीम ने नस्ल भेद के लिए मांगी माफी, परेशान खिलाड़ी देना चाहता था जान। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड घरेलू टी20 टूर्नामेंट का अगले महीने काबुल क्रिकेट स्टेडियम में करेगा आयोजन। आईसीसी महिला विश्व कप क्वालिफायर 2021 का जिम्बाब्वे से होगा मेजबान, 21 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक होगा आयोजन। सलमान 16 साल बाद नो एंट्री के सीक्वल लाने की कर रहे हैं तैयारी, इस बार वे फिल्म के सीक्वल में लीड रोल में आएंगे नजर। आमिर खान के भाई फैजल की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म फैक्ट्री का ट्रेलर रिलीज, फिल्म की कहानी प्यार में जुनून, ट्विस्ट और थ्रिलर पर है बेस्ड। बजट में आई दिक्कतों के चलते रुकी विकी कौशल, सारा लिखा की अपकमिंग फिल्म द इमोर्टल अश्वस्था अगस्त से शुरू होनी थी फिल्म की शूटिंग। सलमान कैटरीना हुए रूस के लिए रवाना, अगले 45 दिनों में 5 यूरोपीय देशों में होगी फिल्म के 5 अलग अलग एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग।
इंडियन आइडल सीजन 12 की सेकंड रनर अप रही सायली कांबले। सायली कांबले को शो खत्म होते ही मिला ब्रेक, मराठी फिल्म में सिंगिंग का मिला ऑफर। पांच मिनट में 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।